हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब साइली चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और एक छोटी सी लेकिन अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि महिला और पुरुष अपने खाने में किस तरह से ऑब्जर्वेशन करें, किस तरह से समझें अपने फूड को, ताकि एग का जो फर्टिलाइज होने का प्रोसेस है वो सही हो, एग और स्पर्म जल्दी मिल सके, और अगर आपसे भी ये गलती हो रही है जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ तो आप उसे तुरंत सुधार लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इनफर्टिलिटी में और कुछ भी नहीं, केवल एक ये तरीका आपका बाधा डाल रहा हो और रुकावट पैदा कर रहा हो। फ्रेंड्स, पीएच के बारे में आप सभी ने सुना होगा। पीएच क्या है? पीएच ये है कि आपके शरीर की अम्लीयता और क्षारीयता का पैमाना है। 0 से लेकर 6.9 तक एसिडिक होता है स्केल, 7 न्यूट्रल होता है और इससे ऊपर अल्कलाइन होता है। तो ये पीएच आपकी फर्टिलिटी को कैसे खराब करता है या अच्छा कर देता है, तो फ्रेंड्स आज इसी को समझेंगे और कुछ टिप्स लेंगे कि अपनी बॉडी के पीएच को समझें कैसे, उसको ऑब्जर्व कैसे करें और उसको ठीक कैसे करें ताकि गर्भधारण सरल हो जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पीएच किस तरह से खराब कर देता है आपकी फर्टिलिटी को। सबसे पहले चीज, ब्लड आपके पीएच को नहीं दर्शाता, क्योंकि ब्लड का पीएच निर्धारित होता है। आपका यूरिन आपके बॉडी पीएच को दर्शाता है। तो आप अपने बॉडी पीएच की जांच यूरिन टेस्ट करके कर सकते हैं। मार्केट में स्ट्रिप्स आती हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से स्ट्रिप्स खरीद के अपने यूरिन पीएच को टेस्ट कर सकते हैं। तो जब आपकी बॉडी एसिडिक होती है तो महिलाओं के शरीर में एसिडिक पीएच जो है 6.9 से नीचे, हॉस्टाइल यानी कि बिल्कुल खराब कह सकते हैं, जिन महिलाओं को महीने के दौरान पूरे महीने महिला के शरीर में डिस्चार्ज आता है, तो अगर डिस्चार्ज सही नहीं बनता है तो स्पर्म और एग को फर्टिलाइज होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका बॉडी पीएच ठीक नहीं है तो आपका सर्वाइकल म्यूकस ठीक से नहीं बनेगा। वो सर्वाइकल म्यूकस जो कि फर्टाइल होता है और जो हेल्प करता है एग को स्पर्म से मीट करने में, फर्टिलाइज होने में सपोर्ट करता है स्पर्म को तैरने में और तैरकर एग तक पहुंचने में। तो आपके शरीर से अगर हेल्दी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पानी जैसा डिस्चार्ज नहीं आ रहा तो समझिए कि आपका बॉडी पीएच एसिडिक है, फिर हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन पीएच का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। तो पीएच की सबसे पहले आपको जांच कर लेनी है। कुछ लक्षण हैं जो आपकी बॉडी पीएच को दर्शाते हैं, जैसे कि अगर आपके बॉडी में एसिडिटी बहुत ज्यादा, बार बार डकार आती है, आपको ब्लोटिंग फील होता है, कुछ भी खाने से थोड़ी में आपको पेट में भारीपन होने लग जाता है, सब बड़ी कॉमन सी बात है। आपको ऐसा लगता है खाना खाने के बाद गले में ही अटका हुआ है खाना, एकदम ज्यादा खा लिया आपने, ऐसा कुछ भारीपन होना, ये सारे लक्षण दर्शाते हैं कि आपका बॉडी पीएच ठीक नहीं है। डायबिटिक लोगों में जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं, उनमें ये चीजें ज्यादा दिखाई देती है। तो फिर क्या करना चाहिए, अपनी फर्टिलिटी को किस तरह से ठीक करें, अपनी बॉडी की पीएच को ठीक करके, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। खाना दिन में हम सभी खाते हैं, लेकिन खाने की चॉइसेस बदल देनी है। उन चीजों को खाना है जिनका पीएच अल्कलाइन है, क्षारीय फूड यानी अल्कलाइन फूड्स की तरफ हमको ज्यादा जाना है। तो वो फूड कौन से हैं? अगर एक ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो जितनी भी फल सब्जियां हैं वो अल्कलाइन करती हैं आपकी बॉडी को। एक सिंपल सी चीज ले लीजिए, खीरा। अगर आप खीरा खाते हैं डेली, अगर खाने के बाद आप सौंफ ले लेते हैं, या फिर महिलाएं, मेरा वीडियो जो कि उनका बहुत फेवरेट है सॉफ्ट ड्रिंक पे, अगर वो फॉलो करती है तो उनको एसिडिटी होगी ही नहीं। अगर आप खीरे इन्फ्यूज करके वाटर लेती हैं तो आपको एसिडिटी होगी ही नहीं। तो ऐसे ही कुछ फूड प्रेफरेंस अलग अलग कैटेगरी में मैं आपको आज बताऊंगी जिनको आप ले, कुछ ऐसे फूड हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ाते हैं, उनको आप कम करें। तो इससे क्या होगा, आपका सर्वाइकल म्यूकस ठीक से बनेगा, आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं रहेगी और आप जल्दी गर्भधारण कर पाएंगे। इससे आपके स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। तो पुरुष और महिलाएं सभी इसको फॉलो करें ताकि उनको अपनी प्रॉब्लम का झटपट सॉल्यूशन मिल जाए बिना मेडिसिन का। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक फूड की, जो कि अगर बहुत ज्यादा आप ले लेते हैं तो आपका बॉडी पीएच बदल जाता है। आप बहुत लंबे समय तक आपके स्वभाव में, आपकी आदतों में बहुत ज्यादा है खाना, तो आप उसे बदल लीजिए। तो सबसे पहली बात है, जितने भी शक्कर या मैदा से बने खाना है, अगर आप मीठा ज्यादा लेते हैं, जैसे कि खाने में भी डेजर्ट्स हो गए, या फिर टी कॉफी की हम बात करें, तो ये हमारे बॉडी के एसिडिटी को बढ़ाते हैं, इनको कम करना है। केक, कुकीज, पेस्ट्रीज या बाहर का खाना नहीं खाना है। इसके अलावा बीन्स, जो अनस्प्राउटेड बीन्स होती हैं, वो भी एसिडिटी करती हैं बॉडी के अंदर। इसके अलावा अनाज, वो भी थोड़ा बहुत एसिडिटी करते हैं। तो सब चीजों को संतुलित करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं है। इसके अलावा एग्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क,
अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है, लेकिन ये चीजें सभी व्यक्ति के लिए एक तरह से लागू नहीं होती, सबके बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा। अब हम बात करेंगे कि कौन से फूड खाने हैं ताकि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको ड्राइनेस रहती है, आपको सर्वाइकल म्यूकस अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आप इन फूड को लें और आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो, एग्रोस्पॉर्म की क्वालिटी इंप्रूव हो और ओवुलेशन रेगुलेट हो आपका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जियों की, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, स्पिनच, टोमेटो, पम्पकिन, कद्दू, व्हीट ग्रास आप ले सकते हैं। इसके अलावा हलीम सीड्स, मैंने नींबू पानी में हलीम सीड मिला के लेने के लिए आपको टिप्स बताई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इन सब्जियां जो हैं आपकी बॉडी पीएच को अल्कलाइन करती हैं। अब हम फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे अच्छा, आसान, सरल हमारा फ्रूट बनाना। इसके अलावा एवोकाडो ले सकते हैं आप, वाटरमेलन, कोकोनट। अगर हम ऑयल्स, सीड्स और नट्स में आलमंड्स हो गए, तिल हो गया, पम्पकिन यानी कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये आपके हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा मेरा एक स्पेशल वीडियो है वाटर इन्फ्यूजन पे, कि इन्फ्यूज वाटर कैसे बनाएं खीरे का और कई चीज़ों का, जिससे कि बॉडी पीएच मैनेज होता है, तो उसको आपको सुबह उठ के पीना है और दिन भर के लिए आपकी बॉडी का पीएच मैनेज रह सकता है। दिन में अलग अलग टाइम पे फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसका लिंक आई बटन में दिया है। इसके अलावा उस वीडियो का लिंक आई बटन में दिया है। इसके अलावा जो आप सभी का फेवरेट वीडियो है सॉफ्ट ड्रिंक पे, जिसको आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, आजमाया, मुझे कितने अच्छे अच्छे फीडबैक दिए, सॉफ्ट वरदान है, तो आप सॉफ्ट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है एसिडिटी की, और अगर आपको इनफर्टिलिटी भी है, तो आप सॉफ्ट पाउडर का इस्तेमाल जरूर कीजिए, आपको सेम डे रिजल्ट मिलेंगे और आप बहुत खुश होंगे, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी बिना मेडिसिन के। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों के जीवन में खुशियां लाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन अगर आपने YouTube सहेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, मुझे Instagram पे भी फॉलो कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।